कोरोना वायरस के मामले भारत में डरावनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले कितनी तेजी से बढ़े हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि पहले 1 लाख कोरोना केस तक पहुंचने में भारत को 110 दिन लगे, लेकिन अगले 45 दिन में ही 5 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना पर आपको सावधान करने वाली खबर। देश में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार हो गया है। सिर्फ 5 दिन में ही कोरोना मरीज 5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गए। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को यह संख्या बढ़कर 1 लाख हुई। 26 जून को संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार हुई और 5 दिन बाद ही यह आंकड़ा 6 लाख के पार हो गया। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले में भारत में कोरोना की रफ्तार अभी भी धीमी है। अमेरिका में सबसे तेज 86 दिनों में 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। भारत में इतने मामले होने में 154 दिन लगे। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री मोदी का 16 मिनट का भाषण कोरोना पर ही केंद्रित था। पीएम मोदी ने देश को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए।